राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छिन गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लोकसभा स्पीकर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। संविधान की धारा 102 क्लॉज 1 क्लॉज ई का भी इस आदेश में जिक्र है। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में अब वायनाड में लोकसभा उपचुनाव भी तय माना जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि गांधी नेहरू खानदान की पहचान रही अमेठी लोकसभा सीट गंवाने के बाद राहुल गांधी की यहीं से नुमाइंदगी थी। मोदी सर ने मामले में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद केरल की वायनाड सीट खाली हो गई है। साथ ही सभी की नजरें अब उपचुनाव पर टिकी हैं। वहीं कुछ लोगों का अनुमान है कि चुनाव आयोग सितंबर में वायनाड लोकसभा के लिए उपचुनाव करा सकता है। दरअसल सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में दोषी ठहराया। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य करार दे दिया। वायनाड जब से अस्तित्व में आया है वहां हर बार कांग्रेस को ही जीत मिली है। केरल में मुख्य लड़ाई कांग्रेस बनाम लेफ्ट में है, जबकि बीजेपी वहां बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है। जैसे जैसे वाम दलों की पकड़ ढीली होती गई इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता गया। वायनाड सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला क्षेत्र है और तीनों ही प्रांत कांग्रेस प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो वायनाड में कांग्रेस पार्टी की टक्कर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रही है। इस लोकसभा सीट का इतिहास लंबा नहीं है। 2008 में परिसीमन के बाद इस लोकसभा सीट के रूप में घोषित किया गया। यहां पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए। पहले चुनाव में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI कैंडिडेट एडवोकेट एम रहमतुल्ला को कांग्रेस उम्मीदवार MI शनावास ने लगभग 1,53,439 वोटों से हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी थी। कांग्रेस कैंडिडेट शनावास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPI उम्मीदवार PR सत्यन मुकरी को 20,870 वोटों से मात दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट पर 4,31,770 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के PP सुनीर को 4.31% से पराजित किया था, जिन्हें 2,74,597 वोट मिले थे। वायनाड लोकसभा क्षेत्र में लगभग 90% से अधिक ग्रामीण आबादी है। हालांकि सोशल मीडिया में लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या 50% से ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल आबादी 8,17,420 रही है, जिनमें पुरुष की संख्या 4,01,684 है और महिलाओं की 4,15,736 थी। हिंदू आबादी यहां पर 4,04,460 मतलब कि 49.48% निवास करते हैं। साथ ही मुस्लिम 2,34,185 जनसंख्या है। ईसाई समुदाय की बात की जाए तो यहां पर 1,74,453 थी। एक रिपोर्ट के अनुसार वायनाड जिले में 80 से ज्यादा गांव हैं। राहुल गांधी के हाथ से अमेठी 4 साल पहले ही छीन गई थी। अब कोर्ट और लोकसभा स्पीकर के फैसले के साथ ही राहुल का दूसरा घर वायनाड भी उनके हाथ से छिटक गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ ही वायनाड को भी चुना था। अमेठी लोकसभा सीट पर तो उन्हें BJP की स्मृति ईरानी ने शिकस्त दी थी, लेकिन वायनाड में वो बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। वायनाड सीट पर राहुल को 7,06,367 वोट मिले थे। ये कुल वैध मतों को 64.64% था। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी CPI के PP सुनीर माले को 2,74,597 वोट हासिल हुए थे। इस तरह से राहुल गांधी ने इस चुनाव में 4,31,770 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। वायनाड सीट राहुल गांधी के हाथ से छिनना इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि अमेठी गंवाने के बाद राहुल ने अपना फोकस दक्षिण की तरफ किया था। वो लगातार वायनाड का दौरा करते रहे थे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी केरल में ज्यादा समय दिया था। यहां पर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 18 दिन बिताए थे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरी थी। राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में भी इस यात्रा के दौरान नजर आए थे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में यह सजा हुई है। राहुल गांधी ने PM के सरनेम मोदी के बारे में टिप्पणी की थी। BJP नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने राहुल गांधी को बेल देते हुए सजा के अमल पर 30 दिनों की रोक लगा दी थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।